इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप पत्रकार हैं और एसएचओ से कोई एक छोटी सी भी जानकारी लेने चाहते हैं तो एसएचओ साहब आपको अपने थाने से बाहर निकाल देंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं भी देखिए, राजधानी की पुलिस अपने आप को दिल की पुलिस का दर्जा देती है, लोगों की मदद करने और लोगों के साथ हमेशा खड़े रहने की बात करती है। लेकिन अगर आप इलाके के पत्रकार हैं और आप कुछ जानकारी लेने के लिए जाते हैं तो थाने के एसएचओ साहब आपको बाहर निकाल देने का ऑर्डर पास कर देते हैं। जी हाँ, जानकारी के अनुसार पिछले 8 महीने से सक्रिय एक सामूहिक बलात्कार करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पश्चिम विहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक निजी अखबार में छपी खबर के अनुसार उन आरोपियों ने करीब 20 वारदातों का कबूलनामा भी दिया। पिछले 8 महीने से पश्चिम विहार के अंदर एक गिरोह सक्रिय था जो लगातार उन महिलाओं को अपना शिकार बना रहा था जो पार्कों में या फिर किसी शांत स्थलों पर अपने पुरुष जो मित्र हैं उनके साथ जा रही थी और अपना जो समय वहां पर बिताने के लिए पहुंच रही थी, लेकिन ये गिरोह उनको अपना निशाना बनाता था और उनके साथ जो मित्र हुआ करते थे पुरुष मित्र उनको मार पीट कर भगा देता था। उसके बाद महिलाओं को किसी धारदार हथियार की नोक पर उनसे पहले लूटपाट किया करता था और उसके बाद उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म का भी यहां पर ये अंजाम दिया करते थे। इसके अलावा ये लोग यहीं तक सीमित नहीं थे, वो इन महिलाओं का जो वीडियोग्राफी है और फोटोग्राफी है वो भी किया करते थे और उसके बाद महिलाओं को आगे भी ब्लैकमेल किया करते थे। दिल्ली दर्पण टीवी की संवाददाता डिंपल भारद्वाज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए थाने के एसएचओ से मिलने अंदर गई तो डिंपल के मुताबिक एसएचओ साहब ने बिना मुलाकात और बात जाने अपने कांस्टेबल को आदेश दिया कि इन्हें बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि दिल की पुलिस की पलटन के इस लीडर को शायद इस बात का घमंड हो गया है कि 8 महीने से इनके इलाके में सामूहिक बलात्कारों को अंजाम दे रहे एक गिरोह के 3 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि इस गिरोह का सरगना सोनू अभी भी पुलिस की पहुंच से कोसों दूर है। खैर, हमारा काम खबर दिखाना था तो हमारी संवाददाता ने पुलिस थाने से कुछ ही कदम दूर एक पार्क का दौरा किया और पाया कि ना तो वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड है और ना ही दिल की पुलिस। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इस पार्क की अगर बात करें तो ये पार्क अगर एरिया के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पर झील भी है और घनी यहाँ पर आप देख सकते हैं जंगल जैसा यहाँ पर माहौल है, हरे पेड़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इसी तरह का माहौल शायद दुष्कर्म करने वालों को चाहिए होता है और इन पार्कों में उन्हें आसानी से वो जो माहौल है वो मिल जाता था और जो लड़कियाँ अपने पुरुष मित्रों के साथ आया करती थी उनको ये अपना शिकार बनाया करते थे और उनके साथ जो बड़ी घटना है यानी दुष्कर्म वाली सामूहिक दुष्कर्म है वो यहां पर किया करते थे। 15 जून को सामूहिक बलात्कार करने के बाद एक छात्रा ने इसी गिरोह के एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर का स्क्रीनशॉट ले लिया था जिसके बाद वो थाने कंप्लेन करने के लिए गई, लेकिन कंप्लेन लिखवाई नहीं। ऐसा क्यों हुआ ये शायद दिल की पुलिस और उनके पश्चिम विहार थाने की पलटन और उसके अधिकारी को पता होगा। 12 अगस्त 2020 को इस गिरोह ने फिर एक किशोरी को अपना शिकार बनाया और फिर खोजबीन कर दिल की पुलिस ने 16 अगस्त को 3 लोगों को किराड़ी से पकड़ा जिसमें मनमोहन, अनिल और दीपक शामिल थे। लेकिन गिरोह का सरगना अभी तक फरार है। दिल की पुलिस के कप्तान यानी डीसीपी साहब ने भी इस मामले पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कानों कान किसी को खबर नहीं दी। लेकिन मामले की जानकारी के लिए थाने पहुंची हमारी संवाददाता को जरूर बाहर निकालने का आदेश सुना दिया गया। सवाल ये है कि दिल की पुलिस ने पार्कों, तंग गलियों और भीड़भाड़ वाले बाजारों के लिए सभी थानों में साइकिल पेट्रोलिंग टीम का गठन किया था, लेकिन कुछ एक फोटो के अलावा आपको कहीं भी इन साइकिल पर घूमकर लोगों की मदद का दावा करने वाली दिल की पुलिस के पुलिसकर्मी नहीं दिखाई देंगे। और यही एक कारण है कि पश्चिम विहार थाना इलाके में आरोपियों ने तो 20 वारदातों को कबूल लिया, लेकिन अखबार प्रति के अनुसार पुलिस के पास केवल 6 ही रिपोर्ट दर्ज हैं। अब ये कप्तान के अंडर में आने वाले एक थाने में
पलटन अधिकारी के दिली व्यवहार का असर है या फिर दिल की पुलिस की बड़ी लापरवाही? इसका जवाब तो कप्तान साहब या फिर खुद थाने से पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाने का आदेश देने वाले SHO साहब ही बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।